मुझ पर भरोसा रखो, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। मुझे प्यार हो गया सीमा, प्यार। लेकिन उसकी एक झलक तो दिखा दे। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए हर कोई काफी एक्साइटेड नजर आता है। और इसी बीच शाहरुख खान और काजोल देवगन की एक और फिल्म को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि काजोल देवगन और शाहरुख खान साल 1993 में आई अपनी सुपरहिट फिल्म यानी कि बाजीगर के सीक्वल में आपको फिर से नजर आने वाले हैं। शाहरुख खान और काजोल की रोमांटिक जोड़ी को इंडस्ट्री की बेस्ट रोमांटिक जोड़ी कहा जाता है। असल में भी दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इतना ही नहीं, अब एक बार फिर से बड़े पर्दे पर इन दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि जवान और पठान की सक्सेस के बाद शाहरुख खान अपनी एक फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म का नाम है बाजीगर, यानी कि बनने वाली है बाजीगर का सीक्वल बाजीगर 2। ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म का डायरेक्शन अब्बास मस्तान करने वाले हैं और इस फिल्म को इस बार प्रोड्यूस करने वाले हैं शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। फिल्म में आपको काफी कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी लाडली बेटी यानी कि सुहाना खान भी काम करते हुए आपको नजर आने वाली है। वेल, फिल्म बाजीगर शाहरुख खान की लाइफ का एक ब्रेक थ्रू रोल था जिसमें शाहरुख खान ने शानदार अंदाज निभाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ कई कैरेक्टर प्ले कर दिए थे। शाहरुख खान ने इस फिल्म में अजय शर्मा, विक्की मल्होत्रा, सीमा के बॉयफ्रेंड और प्रिया के फियांसे के किरदार में आपको नजर आए थे। वेल, आप कमेंट करके बताइए कि शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर 2 को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। खबरें हैं कि ये फिल्म साल 2024 तक आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी।